गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज हम लोग निकल रहे हैं पंचगनी से महाबलेश्वर जाने के लिए। तो जहाँ से लास्ट वीडियो एंड हुआ था वहीं से नया वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अभी यहाँ से हम लोग की जो महाबलेश्वर की जो महाबलेश्वर का जो सफ़र है वो यहाँ से अभी शुरुआत लेंगे हम। आई होप आपने मेरा पंचगनी का वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पहले वो चेकआउट करना। अभी जो हम लोग रिसोर्ट में है वो एलिसियम रिसोर्ट पंचगनी में है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ पे। अभी निकलते हैं यहाँ से, चेकआउट का समय हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं मेरी नैनो में। एज यू कैन सी अभी हम लोग महाबलेश्वर में हैं, पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ये लेक पॉइंट के पास का जगह है। इतना फॉग है, देखो पीछे इतना फॉग है, गाड़ी दिखेगी भी नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पे, देखो अभी आ रही है, गाड़ी दिख भी नहीं रही है, इतना फॉग है। इसलिए मैंने थोड़ा साइड में रुका दिया है गाड़ी। यह पीछे यहाँ पे लेक पॉइंट है, मैना लेक। बहुत ही मज़ा आ रहा है, एकदम अमेजिंग क्लाइमेट है। Few moments later. So guys, finally we have reached the hotel. हम लोग यहाँ पे महाबलेश्वर में पहुँच के होटल का बुकिंग हो चुका है एंड दिस इज़ आर होटल। एक अलग से बेड है, सिंगल बेड फॉर फैमिली। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आराम से वर्किंग, अगर कुछ वर्क करना है, काम करना है तो यहाँ पे अवेलेबल स्पेस। मिरर है, नाइस एंड क्लीन वॉशरूम भी अवेलेबल है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे एक ऐसा छोटी सी विंडो है जो फ्रंट फेसिंग है, जहाँ से हम पूरे मार्केट का व्यू ले सकते हैं। क्या क्लाइमेट देखो, कितना मस्त चल रहा है, पूरा फॉग ही फॉग है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पे मेरी कार पार्क्ड है एंड उसी के सामने ये ऑन द वे टपोला का ये रूट है। यहाँ पे टपोला है, लुक एट दिस गाइस, ऑन द वे टू टपोला। इतना बेहतरीन वाटरफॉल मिला है, अमेजिंग गाइस। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम लोग वाटरफॉल में नहा सके, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये वाटरफॉल को देख के एंजॉय करने में। A few moments later. Moments later. So guys, पहले तो मैं संजय भाई का वेलकम करना चाहूँगा मेरे चैनल पे। So guys, हम लोग
दो साल पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ का खाना खा के गए थे, तो वो खाना खाने की मोहब्बत हमको फिर से दो साल बाद यहाँ पर खींच लाई है। बोल के गए थे कि हम लोग फिर आएंगे, जरूर आएंगे। तो हम लोग पहले अकेले आए थे और अभी फैमिलीज के साथ आए हैं। फिर इन्होंने हमें अच्छे से बोटिंग भी करवाया, हमारे बच्चों को भी बोटिंग करवाया और बहुत लजीज, जो हमेशा याद रहेगा वैसा खाना खिलाया। तो अगर आप टपोलाव में आओगे तो ये नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। और इनके बेटे को भी थैंक्स, बहुत अच्छा राइड दिलाया हम लोगों को। थैंक यू, सो थैंक्स वंस अगेन। वी आर नाउ लेफ्ट फ्रॉम टपोला, अभी टपोला से निकल के अभी हम लोग ऑन द वे टू महाबलेश्वर है। ये रूट है महाबलेश्वर का, मैंने यहाँ पर कार रोका है जस्ट फॉर दिस रीज़न। ये व्यू देखिए आप, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो मेरा मन किया कि मैं रुक जाऊँ और इसको ज़रूर कैप्चर करूँ आप लोगों के लिए। टापोला को मिनी कश्मीर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इतने प्यारे प्यारे नज़ारे यहाँ पे दिखते हैं। फाइनली अभी लेक के पास पहुंच चुके हैं। लेक के पार्किंग में मैंने अपनी नैनो को पार्क कर लिया है, बट यहाँ पे इतना फॉग है कि लेक दिख रही नहीं है। अभी और आगे जाते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। अभी ये महाबलेश्वर की वेना लेक तक पहुंच चुके हैं टपोला से। टपोला से एक घंटे का रास्ता है, बट रास्ता फिलहाल बारिश के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट बहुत ज़्यादा फॉग था, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा फॉग था, बट फिर भी कैसे कैसे मैनेज करके हम लोग वे फाइनली रीच्ड वेना लेक। यहाँ पे थोड़ा अभी फॉग कम हो रहा है धीरे धीरे, तो होपफुली वी शुड बी एबल टू सी द लेक एंड आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। गाइस, दिस इज़ द वेना लेक। यहाँ से बोट्स दिख रही है आपको, बट अभी इतना फॉग है कि कुछ दिख रहा ही नहीं है। बट आप ये देखोगे तो यहाँ से आपको शायद समझ में आ जाए। ये वेना लेक के सामने के सब स्टॉल्स है। A few moments later. यहाँ पे कितनी ठंडी है आप इसी से अंदाजा लगा लो। फुल मुंह से धुआं निकल रहा है जब भी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, फाइनली हम लोग मैप्रो गार्डन आ चुके हैं। कल आज सुबह हमारा महाबलेश्वर से चेकआउट हो गया। महाबलेश्वर से चेकआउट करने के बाद अभी हम लोग निकले और ऑन द वे मैप्रो गार्डन लगता है, तो हम लोग ने अभी मैप्रो गार्डन में स्टॉप लिया है। अभी ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग मैप्रो गार्डन में रुके हैं। मैप्रो गार्डन में एंटर करने से पहले सोच रहे ब्रेकफास्ट पहले कर लेते हैं फिर अंदर जाते हैं। हम लोग भी महाबलेश्वर नैनो में आए और यहाँ पे मैप्रो गार्डन में भी एक प्यारी सी नैनो खड़ी है, पूरा स्ट्रॉबेरी का स्टिकरिंग किया हुआ है, बहुत ही मस्त लग रही है। महाबलेश्वर आएंगे ना तो महाबलेश्वर की एक फेमस चीज़ है जो चना। यहाँ पे आप चना अलग अलग फ्लेवर्स में चने मिलते हैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग वही खरीद रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या फ्लेवर्स अवेलेबल है। A few moments later. तो गाइस अभी मैप्रो से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो आपको मालास मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत सारी आपको शॉपिंग आप कर सकते हो, शरबत की, जैम की एंड बहुत ही अलग अलग चीज़ें मिलेगी जो मैं आपको बताता हूँ।
ये भी एक बड़ा ब्रांड ही है जो महाबलेश्वर में फेमस है। सो लेट्स गो एंड विजिट मालास। बहुत सारी शॉपिंग हो गई है, पूरा डब्बा भर के ले लिया मेरे सामान। 3 hours later तो गाइस हम लोग ने अपने ये होटल में स्टॉप लिया था खाना खाने के लिए, होटल वैशाली नाम है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से टुवर्ड्स मुंबई। बहुत ही अच्छा लजीज खाना था यहाँ का। अगर आप ऑन द वे टू मुंबई महाबलेश्वर कभी आप कर रहे हो तो होटल वैशाली में जरूर खाना खाना, बहुत ही टेस्टी खाना है और रीजनेबल रेट एकदम। सो गाइस दिस वॉज एन ऑसम ट्रिप जो समीर भाई के साथ और उनकी फैमिली के साथ हम लोगों ने की। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये ट्रिप में। हम लोग सोच रहे हैं ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अभी हम लोग ऑन द वे टू मुंबई है, लंच हो गया हमारा, 4 बज गए लंच करते करते। तो अभी हम लोग सोच रहे ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी निकलते हैं हम लोग डायरेक्ट घर के लिए। सो सैमी के ब्लॉग में और शायन जुमल ब्लॉग्स में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शायन जुमल ब्लॉग्स को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शायन को आगे बढ़ाओ और सैमी के ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करो। एकदम ऊंची मुकाम पर पहुंचना है हमें, सैमी के ब्लॉग्स को चाहिए हम दोनों को। मेरे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इनका चैनल का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम लोग नेक्स्ट ट्रिप बहुत ही जल्दी मारने वाले हैं, बट इस टाइम विदाउट फैमिली और तो साथ में मारने वाले। हाँ, साथ में करने वाले, बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।